आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नायक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, BPharma, MPharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। नाउ आल्सो ऑफरिंग BBA, BCA एंड BCom कोर्सेज। KIPM गीडा गोरखपुर। डॉक्टर आशीष चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, PGI, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। और अब सत्य घटना विस्तार। आजमगढ़ और रामपुर की जीत से गदगद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के रानीडीहा स्थित बीजेपी कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी से सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला भी मौजूद रहे। जश्न के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और मिठाइयाँ बांटी। संबंध में बीजेपी के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा कि जनता ने बीजेपी का परचम सपा के गढ़ में लहराया है। रामपुर और आजमगढ़ की जीत मिली है, या रामपुर और आजमगढ़ की जो ऐतिहासिक जीत मिली है, एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी जी की जीत है, योगी जी की जीत है, और पूरे उत्तर और प्रदेश भारत में आज की जीत से परिवारवाद खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया। साइबर क्राइम कंट्रोल के मद्देनजर स्कूली छात्र छात्राओं को सचेत करने का अभियान जारी। साइबर क्राइम की बढ़ती संख्या को देखते हुए गोरखपुर का साइबर थाना खासा सक्रिय हो गया है। एक तरफ जहां साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगी है, तो वहीं स्कूली बच्चों में साइबर क्राइम के अलग अलग तरीकों से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर लड़कियां अपना फोटो शेयर करने से बचें, साथ ही अननोन नंबरों के कॉल उठाने से बचें। पहली चीज आप ये जान के आप अगर आपके पास साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप बचेंगे। तो बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के लिए, तो उसी क्रम में हम हर हफ्ते में 2 दिन स्कूल कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, वहाँ पर जाती है हमारी टीम और हर क्लास में जा जाकर और जो भी ट्रेंडिंग साइबर क्राइम होते हैं उनके मॉडल्स ऑफ ट्रेंडिंग को बच्चों को समझाया जाता है। खास तरह से लड़कियों को ये चीज़ें सिखाई जाती है, क्योंकि उसकी स्कूल गोइंग गर्ल जो क्लास 10th या 12th या फिर स्टार्टिंग कॉलेज डेज में जो 1st या 2nd ईयर की लड़कियाँ होती हैं, वो एज ग्रुप इतना वल्नरेबल होता है कि उनकी पर्सनल फोटोज वगैरह कुछ सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसी चेतना तिराहे पर बैठे धरने पर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसीलों पर शांति सत्याग्रह का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए गोरखपुर में कांग्रेसियों को चेतना तिराहे पर रोक दिया गया, तो कांग्रेसी वहीं धरने पर बैठ गए और अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये सरकार अग्निपथ योजना लाकर भारत के सैनिकों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि सैनिक भर्ती प्रक्रिया में जो पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है उसे भी सरकार ने अपने अहंकार में मजाक बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार पूर्व में होने वाली भर्ती प्रक्रिया के तहत सैनिकों की भर्ती करे। ने अपने अहंकार में सेना भर्ती जैसे
अहम भर्ती को भी एक मजाक बना दिया और 4 वर्ष की संविदा पर नियुक्ति करने का फैसला लिया। उसके विरोध में आज हम सभी कांग्रेस जन सभी देश के सभी तहसीलों पर जो है एक शांति सत्याग्रह के रूप में विरोध करेंगे और हम मांग करेंगे कि जो सैनिक भर्ती है, जो पुरानी परंपरा चली आ रही सैनिक भर्ती की, उस पर भर्ती निकाला जाए ताकि देश के नौजवानों को, देश के किसानों के लड़के जो सेना में भर्ती होते हैं, उनका आत्मबल बढ़े और वह देश के लिए काम कर सकें। पत्नी के पहुंचने से पहले ही कानपुर पुलिस ने करा दिया मजदूर की अंत्येष्टि। थाना बेलीपार के बिठौली की रहने वाली एक लाचार, बेबस, बेसहारा और मजबूर मां अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर सोमवार को कमिश्नर कार्यालय पर गुहार लगाने पहुंची। महिला के साथ गांव के प्रधान भी मौजूद थे, जिनका कहना है कि महिला, जिसका नाम चंदा देवी है, उसके पति मुंबई में रहकर फर्नीचर बनाने का काम किया करते थे। विगत 15 मई को मुंबई से गोरखपुर ट्रेन से आ रहे थे। रास्ते में कानपुर में उनकी तबीयत बिगड़ने पर जीआरपी और पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर वहां उनकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद जब इसकी सूचना पत्नी के पास नहीं पहुंची, तो वो अपने पति को ढूंढते हुए कानपुर पहुंची, जहां उसने पुलिस और जीआरपी से अपने पति के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाही, तो उसे कुछ पता नहीं चला। इसी क्रम में पीड़ित महिला का कहना है कि जीआरपी और पुलिस ने उसे पति की मौत की कोई सूचना नहीं दी और आनन फानन में उसका दाह संस्कार भी करा दिया, और जब महिला पहुंची तो उसके पति के दर्शन भी नहीं हो पाए। महिला का कहना है कि पुलिस और जीआरपी की लापरवाही के कारण अपने पति का अंतिम बार मुंह भी नहीं देख सकी। थाने में पहुंची, इनका थाना बेलीपार में पड़ता है, वहां पर भी पुलिस ने कोई न्याय नहीं किया, गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं दर्ज किया। तत्कालीन थानेदार इसको कह दिया कि मामला कानपुर का है, तो जाओ कानपुर में पता लगाओ। उसके बाद 1 महीने तक यह महिला अपने 2 नाबालिग बच्चों को लेकर के भटकती रही गोरखपुर से लेकर कानपुर तक। जब कोई सुराग नहीं चला पति का, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में पहुंची। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश दिए, तब जाके अधिकारी सक्रिय हुए। पढ़ाएंगे कैसे, खाएंगे न खेती न बारी, हम कहीं क्या करेंगे बताइए। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं आप? कल दसवां है उनका। क्या मांग करती हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं आप? सरकार से कुछ मदद चाहती हैं हम। अच्छा, तो आज अमृत सरोवर योजना के तहत भिल्लौरा गाँव में तालाब के जीर्णोद्धार अभियान का निरीक्षण करने पहुँचे जिला पंचायत राज अधिकारी। विकासखंड पिपरौली ब्लॉक के भिलौरा गांव में अमृत सरोवर अभियान के तहत बन रहे 16 एकड़ तालाब के जीर्णोद्धार का जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब पर मनरेगा के तहत कार्य कर रहे मजदूरों से वार्ता भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मजदूरों के लिए तालाब पर पानी और छाया की व्यवस्था की जाए। अमृत सरोवर के तहत बन रहे तालाबों पर और अधिक मजदूर लगाकर तेजी से कार्य करें। तालाबों पर मनरेगा के तहत कार्य कराकर पौधारोपण और सुंदरीकरण कराया जाए, साथ ही मनरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों को भी सम्मानित किया जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत सरोवर योजना केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हर गांव में एक अमृत सरोवर के तहत तालाब आपको आइडेंटिफाई करके साल भर में, अभी तक अराउंड 350 तालाब के आसपास आइडेंटिफाई करें, काम लगभग अराउंड 51 तालाब में मतलब चल रहा है, बाकी सब कुछ जियो टैगिंग हो गई। और बाई 15 अगस्त हमने का लक्ष्य नियर अबाउट 59 के आसपास तालाब तैयार करें। प्यार किसी से और शादी किसी और से के चक्कर में युवक पहुंचा सलाखों के पीछे। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गोरखपुर की कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिवाकर शर्मा महाराजगंज जिले में एक मार्ट में काम किया करता था, जहां पीड़िता भी काम करती थी। इस बीच दोनों की दोस्ती बढ़ी और दिवाकर ने शादी का झांसा देकर पीड़ित से संबंध बनाए। बाद में पीड़िता गोरखपुर आकर नर्स का काम करने लगी, तो दिवाकर भी यहाँ आने लगा। इस बीच युवती को दिवाकर के दूसरी लड़की से शादी करने की जानकारी हुई, तो पीड़िता ने कैंट थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
समय चला है छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता गोरखपुर, डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9186874190008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर शहर के गोरधैया नाले के निर्माण कार्य का अपडेट लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने। शहर के जल जमाव की समस्या को लेकर कमिश्नर सभागार में बुधवार को मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद शंकर ने मंडलायुक्त जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि गोरधोइया नाले को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। महाविद्यालयों में स्मार्टफोन वितरण के बावजूद गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्मार्टफोन वितरित न होने के कारण छात्रों में आक्रोश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को यूपी सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त स्मार्टफोन योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को छात्र नेता नारायण दत्त पाठक के नेतृत्व में छात्रों ने राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर के माध्यम से सौंपा। इस संबंध में छात्रों का कहना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में इस योजना का लाभ दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र अभी इससे वंचित हैं। हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि जल्द से जल्द इस योजना का लाभ विश्वविद्यालय के छात्रों तक पहुँचे। राज ने एक योजना चलाई थी जिसके अंतर्गत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट एवं स्मार्टफोन और लैपटॉप का वितरण किया जाना था। लगभग गोरखपुर के सभी हिस्सों में जो संबंध विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय हैं उनके सभी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बन चुका है। सिर्फ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस से जुड़े छात्र जो हैं उनको अभी भी ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया। लुप्त हो रही लोक संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास जारी। सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से शारदा संगीतालय गोरखपुर द्वारा पारंपरिक लोकगीत कार्यशाला का आयोजन SS एकेडमी परिसर में किया जा रहा है। 10 दिवसीय इस कार्यशाला में स्थानीय कलाकारों को मौका और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस मौके पर कलाकारों ने लोकगीत की प्रस्तुति की। इस संबंध में लोकगीत गायक राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि लुप्त हो रही हमारी संगीत और संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। जो माधुरता है और हमारी जो लोक परंपराओं में जो माधुरता है वो आजकल जो गीत भोजपुरी के नाम पर जो अश्लीलता परती जा रही है उसके विरुद्ध एक अभियान भी है कि हम लोग अपने भोजपुरी को, हमारा भोजपुरी जितनी निर्मल है वो हम सबके सामने इसको प्रस्तुत कर सकें। जो भोजपुरी बात करने में जो शर्म का महसूस करते हैं वो भोजपुरी जम के बोल सकें, भोजपुरी में गा सकें, भोजपुरी में वो रह सकें। अब जनपद के वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद से जुड़कर विद्यालयों के पठन पाठन में अपने अनुभव करेंगे साझा। अब जनपद के वरिष्ठ नागरिक अपने खाली समय का उपयोग घरों और मोहल्लों में बैठकर पंचायत करने या फिर टीवी देखने के बजाय अब अपने आसपास के स्कूलों और विद्यालयों में जाकर अपनी पसंद की क्लास लिया करेंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे।
इसी क्रम में गोरखपुर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के मनकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को दोपहर का भोजन निःशुल्क कराया जाएगा, साथ में उनके लिए टीवी, लाइब्रेरी, कैरम बोर्ड की सुविधा भी होगी। बदले में ये वरिष्ठ नागरिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को कक्षा में जाकर एक पीरियड के तौर पर अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताएंगे और उन्हें प्रेरणा देंगे। जायदाद के चक्कर में बेटे ने की पिता की नृशंस हत्या। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अहिरपुरवा गांव में बड़े बेटे ने अपने पिता को जमीन जायदाद के लिए हत्या कर दी। पिता अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। बड़े बेटे ने अपने पिता को अलग कर दिया था। पिता अपनी जमीन जायदाद को चहेते बेटे के नाम करने के बाद छोटे बेटे के साथ रह रहा था, जिससे बड़े बेटे को जलन हो रही थी। बलिया पुलिस का कहना है कि बेटे ने ही अपने पिता की जमीन जायदाद के लिए हत्या कर दी है। मौके से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उनको हम सेवा कर रहे हैं, वो कहे थे दोनों आदमी से, तो जो सेवा करेगा उसके नाम मैं जमीन कर दूंगा जी। तो वो जो हमारा भाई है, जो भौजाई है, वो कहती हम नहीं करेंगे, चाहे आप लोग मरे या चाहे कुछ हो जी। उसके बाद हम लोग सेवा करते हैं, 15 कट्ठा जमीन हमारे औरत के नाम कर दिए हैं जी। उसके बाद ये धमकी देने लगा। इसको जो वीरेंद्र है, इसका चचेरा जो भाई है पथौली का, वो भी आकर धमकी देने लगा, तो जमीन वापस करो नहीं तो तुम्हारा एक लड़का है टंगवा ले जाऊंगा। और जो हमारा भाई का भी जो औरत है, वो भी यही बात कहती थी, यही सब करते करते वो धमकी देते थे। तो उसका चचेरा भाई है, जो हमारा जो भौजाई है जी, वो चचेरा भाई है और प्रतिदिन आता है यहाँ पर, प्रतिदिन आता है और डेली यहीं से उसके लिए खाना भी जाता है और धमकी भी देता है। ये उधर गोरु चराते हैं, वहाँ भी आ जाता है और कहता है तो जमीन दे दो नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। ये आते हैं कि बड़े बेटे अजय के द्वारा मार दिया गया है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल के द्वारा मौके पर आकर के छानबीन की गई तो पाया गया कि लल्लन जी जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनमें रात्रि में उनके बड़े बेटे अजय के द्वारा पुरानी जमीन जो कि उन्होंने अपने छोटे बेटे की पत्नी के नाम लिखवा दी थी, उसी रंजिश को लेकर के अपने ही पिताजी की हत्या कर दी गई है। अभियुक्त की निशानदेही पे आला कत्ल बरामद करके अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटी को ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। हमारे कार्यक्रमों को देखने के लिए 24 घंटे हम उपलब्ध हैं बेल नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।